हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक ऐसा यानी कि न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जिस न्यूमेरिकल में आपको तीन कंसेप्ट मिलेगा। आपको इसमें दो कंसेप्ट और एक न्यूमेरिकल यानी तीन कंसेप्ट हो गया। देखिए कहाना, जैसे आप लोग कहावत जानते हैं ना कि गांव घरों में क्या कहावत है, एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना। लेकिन महाभारत में क्या हुआ था कि यानी कि बर्बरिक जो थे एक तीर से यानी कि लाखों निशाना लगाए थे, लेकिन हम उतना निशाना नहीं लगाएंगे। आज आप लोग के लिए सिर्फ इसमें दो यानी कि इम्पोर्टेंट सो आपका जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट बताएंगे, उसके आधार पर आपको ये न्यूमेरिकल जो दिया है उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग का ये न्यूमेरिकल है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखे है कि यूजिंग द सोर्स कन्वर्सन टेक्निक फाइंड द लोड करेंट IL, ये आप देखेंगे यहाँ IL लिखा हुआ है, IL इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। आपको ये फिगर जो दिया गया है इसमें आपको करंट, इस करंट IL जो है ये आपको लोड रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो इसके अक्रॉस आपका जो करंट जो है IL उसको क्या करना है, फाइंड करना है बाय सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से। तो आखिर ये सोर्स कन्वर्सन टेक्निक कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आपको क्या वोल्टेज को क्या करेंगे, यानी वोल्टेज सोर्स जो होगा उस वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर करके बनाना है। देखिए आप चाहेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि KCL KVL का यानी कि प्रयोग करके भी इस करंट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम जब KCL KVL का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा आप लोग देखेंगे तो इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो थोड़ा यानी कि ज्यादा जगह लेगा, मतलब आपका बनाने का टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कम टाइम में सॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी कह रहा है कि हमको सोर्स कन्वर्सन से करना है। यदि आपको सोर्स कन्वर्सन नहीं कहता तो उस केस में हम लोग क्या करते, आप चाहते तो KCL लगा देते, चाहते तो आप लोग KVL लगा करके भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको कह रहा है कि सोर्स कन्वर्सन का प्रयोग करके करना है। तो आप लोग देखिए सोर्स कन्वर्सन कैसे करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ आपको पहले आपको यहाँ वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब जिससे क्या होता है आपका वोल्टेज इमिट होता है। देखिए ये आपका 6 ओम और ये आपको 3 ओम, ये दोनों क्या इसमें दिख रहा है आपको सीरीज में दिख रहा होगा। तो देखिए वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस होंगे उसको हम क्या करेंगे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इससे हम इन दोनों के माध्यम से क्या करेंगे, हम आप करंट निकालेंगे पहले, तो करंट निकालेंगे कितना होगा आपको, करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, 6 में 3 से भाग देंगे 2 एम्पियर। अब इस 3 को क्या करेंगे, अब जो आपका 2 एम्पियर करंट निकला है उस करंट के क्या करेंगे सीरीज में पैरेलल में इस 3 ओम को, ये वाला जो दिया है इस 3 ओम को क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ देंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे और करंट सोर्स का डायरेक्शन उधर लेंगे जिधर आपका वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन होगा, क्या होगा वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन होगा। यहां से देखिए निकालेंगे कितना होगा आपका 6/3, मतलब आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर हो गया ये करेंट, और यही 3 ओम को क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में जोड़ देंगे। ये हो गया आपका करेंट सोर्स में कन्वर्सन। देखिए एक तीर मार दिए, पहला तीर क्या मारे हैं कि यहाँ वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। अब चलिए अब दूसरा तीर आगे मारेंगे, यहां देखिए अब बाकी जैसा है उसको क्या करेंगे वैसे ही उतार देंगे। देखिए अब इसको यहां से करेंट सोर्स है 3 एम्पियर का, यहाँ आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ यही आपका करंट IL निकालना है, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना है 2 ओम। अब देखेंगे अब यहाँ देखिए कि 3 ओम और 6 ओम आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे इस पैरेलल वाले को खत्म कर देंगे। तो चलिए इस पैरेलल वाले को हम खत्म करने जा रहे हैं, देखिए कैसे खत्म करेंगे, यहां से पैरेलल में देखेंगे तो कितना इसका यानी कि वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका जो हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, मतलब कितना होगा 36 18/9, मतलब
2 ओम हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 2 ओम निकल के आ गया। चलिए अब इसको फिर से एक बार इक्विवेलेंट सर्किट लिखते हैं, देखिए कैसा होगा। यहाँ पर करेंट सोर्स है कितना, 2 एम्पियर का ना, ये आपका 2 एम्पियर। अब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला है कितना निकल के आया, 2 ओम, इसको 2 ओम यहां लिखेंगे। अब बाकी जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे। देखिए ये आपका इधर है करंट का डायरेक्शन 3 एम्पियर, ये आपका है 1 ओम और ये आपका है 3 ओम 1 ओम। अब देखिए यहां पर कितना है, 2 ओम। अब देखेंगे तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां जो है अब अभी आपको सॉल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए और इसको हम क्या करते हैं, और यानी कि सॉल्यूशन कर छोटा कर देते हैं। यहां देखिए 2 एम्पियर, यहां आपका 2 ओम, ये दोनों आप लोग देख रहे होंगे तो आपको ये पैरेलल में दिख रहा होगा, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको करेंट सोर्स है 2 एम्पियर का, इसको क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस जो आपको सीरीज में दिया है करेंट सोर्स का, सॉरी पैरेलल में जो दिया है 2 ओम इस 2 एम्पियर के करेंट सोर्स का, अब क्या करेंगे इन दोनों के प्रयोग से हम यानी कि पहले वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज निकालेंगे कितना होगा, वोल्टेज बराबर क्या होता है, करेंट गुना रेजिस्टेंस। तो करेंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपका 4 वोल्टेज हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, जो आपका 4 वोल्ट आया है उसके सीरीज में इस 2 ओम को जोड़ देंगे। ये आपको वोल्टेज सोर्स से करेंट सोर्स में कन्वर्ट करने का नियम कहता है। तो देखिए यहां पर करेंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में करेंगे, यहां से आपका कितना हो जाएगा। और हाँ, और देखिए कि जिधर आप करेंट की डायरेक्शन है, जब हम करेंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसी डायरेक्शन में हम वोल्टेज सोर्स का भी डायरेक्शन लेंगे। मतलब इन दोनों से कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 मतलब 4 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका 4 वोल्ट हो गया, इस दो को गुना किए हैं, ये वाला 2 और इस 2 को, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अब इस 2 को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि हम करेंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी जो है उसको वैसे ही रहने देंगे। यहां आपका करेंट सोर्स, यहां आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहां आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम, यहां आपका 3 एम्पियर, यहां आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम दिया है और ये 2 ओम अभी जो आप सीरीज में लिखेंगे ये 2 ओम। अब देखिए तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको ये 2 ओम और ये 2 ओम आपका क्या है, सीरीज में है। तो पहले इसको जोड़ लेंगे सीरीज के नियम से। देखिए सीरीज का नियम क्या कहता है, सीरीज में तो हम जानते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, नियम क्या कहेगा। यहां आप देखिए तो यहां आपका एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये कितना आपका 4 वोल्ट। अब इसको जोड़ेंगे तो यहां आपका 4 ओम हो जाएगा और इसके पैरेलल में एक आपका करेंट सोर्स है। अब देखिए यहां करेंट सोर्स का वैल्यू 3 एम्पियर, यहां आपका 1 ओम, यहां आपका 3 ओम, ये करेंट आया निकालना है। अब देखेंगे अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये 4 ओम के ये क्या है आपका, चार वोल्टेज के सीरीज में आपका 4 ओम का क्या है कि आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके माध्यम से हम फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, कन्वर्ट करेंगे फिर से वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में। देखिए कितना सिंपल है, एक बार करेंट को वोल्टेज में, वोल्टेज को करेंट में, करेंट को वोल्टेज में, ऐसे कर रहे हैं। तो यहां से देखिए जैसे पहले बार किए थे वैसे यहां भी है, ये आपका कितना होगा, करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर से जब हम करंट निकालेंगे कितना होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1, ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। और क्या करेंगे इस 4 ओम को क्या करेंगे, अब करंट में, करंट यानी सोर्स में कन्वर्ट कर दिए तो पैरेलल में जोड़ देंगे। अब ये हो गया आपका 4 ओम इधर, ये आपका 1 ओम इधर,
ये हो गया, देखिए अब है यहाँ आपका एक छूट गया ना, यहाँ आपका 3 ओम का क्या है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स भी है, इसको भी जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ दीजिए। अब है यहाँ इस तरह से 3 ओम, 1 ओम, 3 एम्पियर। चलिए अब देखिए यहाँ आपका एक कंसेप्ट और आता है, आप लोग हम बताए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब बता रहे थे तो बताए थे कि यदि करंट यदि एक ही डायरेक्शन में जा रही है किसी भी, यानी कि वायर से जब एक ही डायरेक्शन में दो करंट जा रही है, मतलब I1 और I2 दो करंट यदि जा रही है तो इक्विवेलेंट करंट मान लेते हैं कि I होगा, तो I1 + I2 लिखेंगे, I1 + I2 लिखेंगे। तो यहां देखिए आपका 1 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या है, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो अब एक डायरेक्शन में जा रही थी, इसको क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, किधर लिखे नीचे तक, तो यहां तक दिख रहा होगा, देखिए अब यहां से आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 एम्पियर, 1 4 एम्पियर हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 3 + 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। और देखिए अब ये आपका 4 ओम क्या है, इसी करंट के पैरेलल में है ना, इस पैरेलल में क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। अब यहां आपका 1 ओम, यहां आपका 3 ओम, 3 ओम, 1 ओम, यह आपका 4 ओम, ये आपका कितना होगा, 4 एम्पियर दिख रहा है नीचे तक दिख रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका जो है, ये दोनों, ये करंट और ये आपका रेजिस्टेंस क्या है आपका पैरेलल में है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 4 एम्पियर, और यहाँ आपका क्या है पैरेलल में, ये आपका वोल्टेज, यहां से वोल्टेज, यहां से रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 16, यानी कि हो जाएगा आपका वोल्टेज 16 वोल्ट। अब इसको क्या करेंगे, इस 4 ओम को क्या करेंगे, जब वोल्टेज सोर्स में करते हैं तो सीरीज में जोड़ देते हैं। अब यहां से देखिए यहां आपका कितना, इस 4 ओम को क्या करेंगे, इस 4 ओम को जोड़ेंगे ना, जब हम यानी कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए प्रत्येक बार आपको बोलते जा रहे हैं कि ताकि आप लोग को क्या होना चाहिए, कंसेप्ट यानी कि कहीं भी खराब नहीं होगा। 1 ओम, यहाँ आपका 3 ओम, इसी में ना आपको करंट निकालना है IL। अब देखिए अब हमको निकालना है IL, तो लिख सकते हैं देयरफॉर IL बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज बट्टा क्या होता है, वोल्टेज बट्टा आपका टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 1 + 3, क्या कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, करंट आपका सेम होता है, जितना 4 ओम में उतना 1 ओम में उतना 3 ओम में। तो अब क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ लिए, जोड़े तो कितना हुआ, 4 × 1 = 5 × 3 = 8, मतलब 16/8, ये हो गया आपका 2 एम्पियर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर IL बराबर 2 एम्पियर। देखें कैसे तीर मारे, कितना बार तीर मारे, एक बार यहां देखे, यहां वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में किए, फिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किए, फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स, करंट को वोल्टेज सोर्स, ऐसे करते गए। देखिए आपको जब बनाते KCL KVL से तो आपको 3-4 इक्वेशन आ जाता, तब तो वहां फिर हम क्रैमर्स रूल्स यूज करते, यहां तक क्रैमर्स रूल्स नहीं यूज करते, तो इक्वेशन को इक्वेशन, इक्वेशन को इक्वेशन सोल्व करने में आपका काफी टाइम लगता। लेकिन देखिए हम सोर्स कन्वर्शन के कितना इजी से बना दिए। तो अब आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग को समझ में आया कि नहीं, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कहां समझ में नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि जितना बार कंसेप्ट आया है कैसे कन्वर्ट करते हैं उतना बार आप लोग को बताए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्त को शेयर करेंगे, और जो भी चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटिया को भी प्रेस कर देंगे।
तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।